now with maths classes. Today now start the exercise 1.5. Friends, इससे पहले मैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड एक इंट्रोडक्शन पार्ट को आप लोग तो करा चुके हो। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके, एंड द चैप्टर नेम इज नंबर्स, इसका एंड दिस इज गिवन इन द पेज नंबर 24। आपकी जो फ्रेंड्स एनसीईआरटी बुक है उसके पेज नंबर 24 पे गिवन होगी। और ऑल ऑफ यू नो दैट कि हमारी क्लास सीरीज है वो 9th है। तो स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई की फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इनरैशनल नंबर। इसमें ये बताना है कि स्टूडेंट्स की क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स गिवन है कि ये दीज आर रैशनल और इनरैशनल। तो ऑल ऑफ यू नो दैट कि मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको यही चीज बताई थी कि जैसे रैशनल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल, इनरैशनल, इंटीजर्स। तो यहाँ पे मैं ओरली आपको बता देती हूँ कि रैशनल वो होते हैं कि जो कंप्लीट, जस्ट एक एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ। रूट फोर है, अगर ये स्क्वायर रूट कंप्लीट आपका डिवाइड हो जाता है तो इट्स मीन आपका रैशनल नंबर, क्योंकि ये 2 का होता है। अगर 2 मल्टीप्लाई 2 अगर रूट करते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या देगा, 2। अगर सपोज ये रूट 5। इनरैशनल वो होता है फ्रेंड्स कि जो आपका एक प्राइम नंबर होता है रूट में, कि आपका यहाँ पे कहिए दिस इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर, दे आर द फैक्टर ऑफ 1 और इट्सेल्फ, मतलब कि अपना। अब इसका फैक्टर क्या है 5 का, 1 और 5। अब अगर रूट 7 है तो रूट 7 का फैक्टर क्या है, 1 और 7। तो इट्स मीन दिस इज ए प्राइम नंबर, कि जो आपका एक प्राइम नंबर होगा रूट में, दिस इज ए इनरैशनल नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस 5। ओके, तो 5 रूट की जो वैल्यू है वो आपकी लॉग टेबल में मिल जाती है। देखो मैं अपनी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करती हूँ, देखो रूट 5 है, इट्स मीन क्या है, अगर 2 का स्क्वायर करती हूँ तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करती हूँ तो 9 आता है। ओके, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपने 8th क्लास में ऑलरेडी रीड आउट किए हुए हैं। तो क्या 2 का स्क्वायर रूट 4 है, अब यहाँ पे क्या है 5, इट्स मीन ये 2 के नियर बाय हो जाएगी। तो क्या है -2.239, क्योंकि यहाँ पे 2 है। नेक्स्ट में आप ऐसे ही डिवाइड करके देखोगे जो पॉइंट्स में आंसर आता है वो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि मैंने अपना एक आइडिया निकाला हुआ है, बाकी आपके लॉग टेबल्स में रूट्स के सारे आंसर गिवन होते हैं। लॉग टेबल आपको पेपर में, आपका बोर्ड पेपर करते हुए, आपका जो स्कूल पेपर होता है आपको हमेशा अवेलेबल होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो गया, माइनस करते हैं तो क्या होगा -2.5। ठीक है, जीरो आना था, जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आपका ये नंबर रैशनल हो गया इनर, क्योंकि जीरो है तो जीरो तो आपका के किसी का तो स्क्वायर तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या जाता है इनरैशनल। सेकंड पार्ट है 3 + 2 = 23 ब्रैकेट क्लोज -2 = 20। ओके, कि यहाँ पे है फ्रेंड्स कि आपका रूट क्या है 23 है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट है, देखो ये ब्रैकेट है इसमें उसके बाद माइनस है, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो क्या होता, ये दोनों मल्टीप्लाई होते, लेकिन अब तो ये सिंप्लीफाई ही हो जाएगा। 3 + √23 - √23, यहाँ पे 1 प्लस में हो गया, 1 माइनस में हो गया, कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका आंसर क्या गया 3। अब 3 आपका क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो रूट में आंसर नहीं आया, इट्स मीन आपका ये क्या रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है 2 √7 तो क्या हो रहा है, 7 √7 को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये एक सेकंड मेथड क्या है, रूट 7 को कॉमन में निकालते हैं, यहाँ पे कहेगा 2, यहाँ पे हम रूट 7 को कॉमन में निकालेंगे, यहाँ पे कहेगा 7, दोनों का कैंसिल आउट करते हैं तो आंसर क्या था 2/7। अब 2/7 एक नॉर्मल फ्रैक्शन आ जाती है, इट्स मीन दिस इज अ रैशनल। तो ऑल ऑफ यू नो कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट करा रही हूँ। स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट रहता तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। अब है हमारा
fourth part. One by root two. अब root two is also a prime number. तो ये भी क्या हो जाता है, आपका एक इमेजिनरी हो जाता है. ओके एंड लास्ट वन है टू की फिफ्थ पार्ट, टू पाई. तो पाई की ओर से नो दैट कि आपको सबको पता है वैल्यू क्या होती है, 22/7 या फिर होते 3.14 तभी होते तो आपके क्वेश्चन में मेंशन होती है स्टूडेंट्स. अगर आप वैल्यू गिवन नहीं होते तो आप 22/7 तो यहाँ पे क्या है, अब पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, तो इट्स मीन दिस इज ए इंटरेक्शन. आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर दी क्वेश्चन नंबर वन, प्लीज नोट इट डाउन दिस स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर टू स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर टू है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. इट्स मीन आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर, तो टेक द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 + 2 = 3 और 2 + 2. ओके जैसे ही हो देखो, अब आपको यहाँ पे क्या बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में दोनों में कोई साइन है. इट्स मीन आपको मल्टीप्लाई बाय दिस कि आपको ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करना है. तो 3 को पहले इस इक्वेशन से ये मल्टीप्लाई होगा सेम रूट 3. ओके तो इसके दो मेथड है, तो मैंने कैलकुलेटर से पहले 3 है 3 ले लिया प्लस इक्वेशन ब्रैकेट अब 2 + √2. ठीक है कि एज इट इज टेक द इक्वेशन ये ले ली, अब उसके बाद में बीच में साइन आपका किसका प्लस का, तो आपने प्लस का ले लिया यहाँ पे रूट 3 और यहाँ पे क्या 2 + √2. ओके तो अब यहाँ पे क्या 3 × 6 + √2 + √3 + में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो एक दूसरे से माइनस प्लस होता हो. तो आपका आंसर आ जाएगा 6 + √2 + √3 + √6. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट है हमारा, ये भी सेकंड पार्ट भी बना देती हूँ ना, 3 + √3 and 3 - √2. ओके सेम एज इट इज मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हो जाएगा कि हमने अब दूसरा मैंने क्या बनाया था सेम एज इट इज कि जो ये वाला 3 है वहां पे क्या आएगा 3 - √3. अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ये वाला प्लस है √3 3 - √2. ओके फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपका जो भी इक्वेशन है दोनों ये वाले आ जाते हैं और यहाँ पे ये वाला दिस वन थ्री 3 = 9 कैसे होगा 3 और दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है फ्रेंड्स 3 √3. सेम एज इट इज 3 को √3 से करते हैं 3 √3 √3 से मल्टीप्लाई करते हैं -√3. अब एक चीज देखो सॉरी यहाँ पे √3 आएगा क्योंकि √3 × √3 = √3 - +9. अब देखो यहाँ पे 3 √3 + में है यहाँ पे 3 √3 - में, एक प्लस में एक माइनस में स्प्लिट कर जाएगा दोनों. अब क्या 9 में से 3 जाएगा तो आएगा 6, तो द आंसर विल बी 6. यहाँ पे स्ट्रेंथ इज इक्वल टू के साइन लगाना ना भूलना प्लीज, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स कट जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू के साइन से ही यहाँ पे डिनोट होता है एक नेक्स्ट स्टेप. प्लीज नोट इट डाउन. थर्ड पार्ट है (5 + 2) का 4. जैसे ही होल स्क्वायर देखो स्ट्रेंथ यूजिंग दी आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर (a + b) का होल स्क्वायर (a² + b² + 2ab) (a² + b² + 2ab). तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यूजिंग दी आइडेंटिटी यूज कर दिया इट्स विद दिस वन ए एंड दिस वन डी, तो a² + 5√2 + √3 + 2 × a / b.
फ्रेंड्स एक चीज यहाँ पे नोट करना, ये जैसे कि किसी क्वेश्चन में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, कि जो ये दोनों चीज है वो इंटरचेंज हो जाती है, तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपका आइडेंटिटी का, बस सेम ये चीज होनी चाहिए। तो अब क्या है, अब देखो फाइव का स्क्वायर इसमें रूट फाइव मल्टीप्लाई बाय रूट फाइव, मैं ये ओरली एक बार ही करके दिखा रहा हूँ, इसमें क्या होगा रूट फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करें, फाइव प्लस रूट टू का स्क्वायर भी टू हो जाएगा प्लस, अब देखो फाइव टू जा टेन रूट टेन, और यहाँ पे क्या है क्योंकि ये टू तो है फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे टेन, तो क्या होगा फाइव को टू सेवन प्लस में टू है, आई होप कि फ्रेंड्स क्लियर दिस क्वेश्चन, सेवन प्लस में टू रूट टेन, तो ये आपका थर्ड पार्ट है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट में आएगा फोर्थ पार्ट, रूट फाइव मल्टीप्लाई रूट टू रूट फाइव प्लस में रूट, ओके तो सेम हुआ ही आपको, मैं बार बार आपको रिपीट करती हूँ क्योंकि यहाँ पे जैसे प्लस माइनस का साइन होगा तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कहेगा फाइव यहाँ पे कह लो माइनस टू रूट फाइव रूट प्लस में टू, सेम हो गया ना सर रूट फाइव, फाइव रूट फाइव प्लस रूट टू माइनस माइनस, फिर यहाँ पे क्या फाइव रूट प्लस में रूट, ओके तो अब क्या है दोनों को मल्टीप्लाई, फाइव रूट को फाइव रूट से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फाइव प्लस में फाइव टू जो टेन, अब माइनस में फाइव टू जो टेन, यहाँ पे रूट टू और टू चल जाएगा टू, देखो प्लस माइनस ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा प्लस माइनस मैंने माइनस बोल दिया लेकिन साइन प्लस का लगा दिया था, अब फाइव में से टू माइनस करेंगे तो द आंसर विल बी थ्री, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर टू, फ्रेंड प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर थ्री, फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थ्री है वो मैं ओरली वैसे ही बता देती हूँ कि उसमें एक सर्कमफ्रांस गिवन है और आर को हमने, क्योंकि सर्कमफ्रांस में क्या होता है रेडियस और डायमीटर आपका दोनों होगा, जैसे यहाँ पे ओरली बता देती हूँ ये आपका क्या है यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक आपका डायमीटर, तो रेडियस को उन्होंने आर लिया हुआ है डायमीटर को डी लिया हुआ है, अब सर्कमफ्रांस का फॉर्मूला क्या होता है टू पाई आर टू पाई, और पाई की वैल्यू भी 27 अपॉन 22.7, बट उन्होंने लास्ट में यह चीज बोल दी है कि जो ये वैल्यू है ये आपके रैशनल और इनरैशनल है, तो जो पाई होता है वो आपका इनरैशनल नंबर होता है, तो जो आंसर आता है फ्रेंड्स वो आता है 22/7, बिकॉज इसका क्वेश्चन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था बुक में, अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखवाती तो आपसे यहाँ पे सो नहीं करके दिखाती, तो मैंने इसीलिए इसको ओरली बता दिया है, ओके तो नाउ स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, कि आपको ये रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज में क्या होता है फर्स्ट पार्ट इज फ्रेंड्स 1/7 अपॉन रूट सेवन, अब अगर देखो दिस वन इज डिनोमिनेटर एंड दिस वन इज ए डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो ही मल्टीप्लाई होता है आपका, अब सेम हो जाता है मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर एंड मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, कि आपको वही चीज आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो क्या आएगा वन को जो रूट सेवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा रूट सेवन, और सेवन रूट मल्टीप्लाई बाय सेवन सेवन, तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है वन अपॉन में रूट सेवन माइनस रूट सिक्स, ये फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि दिस इज वन इज न्यूमिनेटर एंड दिस वन इज डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय रूट सेवन मल्टीप्लाई बाय सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर्स, जैसे देखो यहाँ पे माइनस में अपोजिट साइन में दोनों साइड में जाके साइन अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस भी हो जाता है, ये हो गया फ्रेंड्स, अब देखो वन को तो सेम वन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है ये आ जाएगा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, अब नीचे देखना यहाँ पे क्या रूट सेवन यहाँ पे बीच में माइनस प्लस है बाकी आपका सेम है, तो एट्स में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है फ्रेंड्स, कि आपका यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है फ्रेंड्स ए प्लस बी और ए माइनस
यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, रूट सेवन का होल स्क्वायर माइनस रूट सिक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। नेक्स्ट आएगा रूट सिक्स प्लस रूट सेवन, अब सिक्स माइनस सेवन, क्योंकि अब देखो स्क्वायर हो गया, रूट सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सेवन, सेम एज इट इज रूट सिक्स को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा सिक्स, सेवन माइनस सिक्स तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, और सेवन में से सिक्स माइनस करेंगे तो दी आंसर विल बी रूट सेवन प्लस रूट सिक्स अपॉन फोर। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्लीज नोट डाउन। थर्ड पार्ट इज फ्रेंड्स, वन अपॉन में फाइव टू टू थर्ड पार्ट, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये चीज आपको रैशनलाइज करनी है, तो रैशनलाइज में मैं बार बार यही चीज रिपीट करती हूँ, सेम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बदल देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हो गया तो क्या आएगा फाइव माइनस टू टू। अब मैं इधर को फिर से वही आइडेंटिटी जो मैं लास्ट में लिखी थी अभी लिख देती हूँ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस, ओके ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा रूट फाइव का होल स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप तो अब क्या आएगा, इक्वल टू रूट फाइव माइनस रूट टू, यहाँ पे क्या आएगा रूट फाइव का स्क्वायर, क्योंकि रूट फाइव का स्क्वायर है तो क्या आएगा फाइव ही आ जाएगा, रूट फाइव मल्टीप्लाई बाय रूट फाइव, फाइव सेम एज इट इज टू, तो क्या आएगा रूट फाइव माइनस टू, रूट फाइव माइनस टू, ये आंसर विल बी रूट फाइव माइनस रूट टू। ओके अब लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट नहीं हो जाएगा हमारा, वन अपॉइंटमेंट रूट सेवन माइनस, ये है तो सेम एज इट इज रैशनलाइज करना है। अब यहाँ पे क्या आएगा ये भाई मल्टीप्लाई करना ना, ये न्यूमरेटर है सॉरी ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, रूट सेवन प्लस में टू वन को तो मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे वही आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट सेवन का होल स्क्वायर माइनस रूट सेवन प्लस टू, तो क्या आएगा सेवन की तो वही है लेकिन सेवन, अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस, अब यहाँ पे तो रूट टू नहीं है ओनली टू है तो टू टू सा रूट सेवन प्लस टू अपॉन में सेवन माइनस टू, तो दी आंसर विल बी रूट सेवन प्लस टू अपॉन में। सर प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। ओके तो स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास ओवर हो गई है, कंप्लीट द एक्सरसाइज 1.5, दिस इज गिवन इन पेज नंबर 24। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दीजिए, और स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, एंड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट्स 1.6, ओके बाय।